आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी खबर आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। नाग पंचमी के अवसर पर कई मंदिरों में भक्तों के द्वारा दूध लावा और फल फूल के साथ किया गया पूजा अर्चना। आपको बता दें कि नाग पंचमी के शुभ अवसर पर नाथनगर चंपानगर के मनसा देवी मंदिर एवं आसपास के कई मंदिरों में भक्तों के द्वारा दूध लावा और फल फूल के साथ भरा गया डलिया चढ़ाया गया। वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही मंदिरों में लगी हुई थी। बताते चले कि भगवान शिव को प्रिय सावन का महीना इस वर्ष 14 जुलाई से प्रारंभ हो गया है। वहीं इस पवित्र माह में कई व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें से एक नागपंचमी भी है। वहीं इस पर्व का एक अलग ही महत्व है। नागपंचमी कई मंदिरों में धूमधाम से मनाया गया, काफी नियम निष्ठा से पूजा अर्चना भी की गई। मान्यताओं के अनुसार सावन माह में शिव जी की आराधना करने वाले सभी भक्तों की इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। वहीं भोलेनाथ के साथ माँ पार्वती की पूजा अर्चना करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। नागपंचमी का त्यौहार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर मनाया जाता है। वहीं इस दिन नाग देवता की पूजा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। पंडितों के अनुसार इस वर्ष नागपंचमी पर शिव सर्वार्थ सिद्धि योग बना रहा है। जो हरे घरों से नाग देवता की का भोग दिया जाता है, साथ ही समय प्रातःकालीन पूजा शुभारम्भ हो गया है। 4 बजे अलावा का भोग लगेगा। सभी दिनों से आया हुआ है सबका भोग। परिचय दे जवाब गाँव का। भागलपुर से श्याम सिंह की खास रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप बने रहें लोकल टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।